काम वगैरह चल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर तो थीम ही ऐसा है, इस बार कुछ खतरनाक है डेयरिंग का जैसे, किंतु काष्ठा खूब भालो लगे। इस साल का थीम है तो बांस के पीछे नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं भैया काम कर रहे हैं। आसनसोल में इतना भीड़ होता है क्या कहिएगा। This is Sanjay and you are watching my YouTube channel Ishan Travels. Ishan Travels का और एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं आसनसोल का के सेक्टर में, लगभग हाउसिंग का सामने फ्रेंड्स। तो पूरा डिटेल्स में बताएंगे फ्रेंड्स। आसनसोल का ये जो मेरा पीछे पंडाल देख रहे हैं आप, कितना खर्चा एस्टिमेट हो रहा है इस साल और क्या थीम है, बजट क्या है, सारा कुछ डिटेल्स में बताएंगे फ्रेंड्स। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए आपका अपना चैनल ईशान ट्रैवल्स। कहते हैं ये का नाम क्या है? राहुल। कितना दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पर इस पैंडल में? हाँ, 10 दिन से। वाह। और इस बार दुर्गा पूजा का पैंडल का थीम क्या है यहाँ पर? कपड़ा का ही थीम होगा। अच्छा अच्छा, वाह। और कितना बजट क्या है कुछ जानते हो? बजट नहीं पता है। थैंक यू भैया को बताने के लिए। आपको बताते हैं अभी थीम क्या है इस साल दुर्गा पूजा 2023 का के सेक्टर आसनसोल में। तो फ्रेंड्स, इस साल का थीम है मायार बांधन। मायार बांधन मतलब होता है क्या, माया ममता से जो जुड़ा हुआ है हमारा संसार, हमारा जगत, हमारा पृथ्वी, उसी रिलेटेड इस बार का थीम बनाया जा रहा है फ्रेंड्स। आप जैसे कि देख रहे हैं पीछे में, और आपको दिखाते हैं अभी एंट्रेंस गेट और आउट गेट। यहाँ पे देखिए प्लास्टिक वगैरह, अभी पॉलिथीन से सुबह का टाइम आए थे तो नहीं लगा हुआ था, अभी लग रहा है थोड़ा देर पहले लगाया गया, क्योंकि वहाँ पर कुछ काम वगैरह चल रहा है इसी वजह से लिया गया है। तो ये देख रहे हैं, ये एक इन का गेट है और उस साइड में देख सकते हैं वो आउटर का गेट है। तो दो गेट यहाँ पर बंधा गया है, ठीक है, बनाया गया है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं और आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। और दोस्तों, अभी भैया हमारे साथ हैं, भैया का शुभ नाम पूछेंगे। अभिजीत राय। অভিজিৎ রায়, এই বছর এখানে কি প্যান্ডেল হচ্ছে? এই বছর থিমের নাম হচ্ছে মায়ের বন্ধন। মায়ের সাথে আমাদের যে বন্ধন, সেই বন্ধনকে দেখানো হচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শুধু বন্ধনেরই কাজ হচ্ছে, বন্ধনকেই সামনে নিয়ে। অন্য প্যান্ডেলে, ডেকোরেটর প্যান্ডেলে সাধারণত বাঁশকে পিছনে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপরে বাটাম করে কাপড় করে বাঁশ, আমরা বাঁশটা সামনে নিয়ে আসছি। একটু ডেয়ারিং কাজ আছে, কিন্তু কাজটা খুব ভালো লাগবে এবং সাইজ বিশাল। আমাদের 150 ফুট বা 150 ফুটের প্যান্ডেল আছে। আশা করি এখন তোর সবথেকে বড় এখনো। দাদা বলছিলাম, এই যে মায়ের বান্ধন যেটা বান্ধন বলছেন, বান্ধাটা কি আগেই থাকবে, মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি? ব্যাকগ্রাউন্ড একদম, ব্যাকগ্রাউন্ডে কাপড় থাকবে, একদম ব্যাকগ্রাউন্ড খালি ওইটুকু, আর এইটা পুরোটা ওপেন থাকবে, মানে পিছনে শুধু দেওয়া হবে। আপনি ওই দিক থেকে দেখতে পাবেন, এই থেকে ট্রান্সপারেন্ট থাকবে, সামনে নেই বান্ধাগুলো শুধু দেখতে পাবেন। ওইখানে আরো অনেক কাজ আছে, আমাদের হ্যাঙ্গিং আইটেম আছে, আরো অনেক রকম জিনিস আরো সেজে উঠবে আস্তে আস্তে। আপনি আস্তে থাকুন, আসুন, দেখতে দেখে যান। দাদা কয়েকটা জিনিস জিজ্ঞেস করবে, এই বছর প্যান্ডেলের হাইটটা কত? এই বছর প্যান্ডেল 60 ফুট। 60 ফুট হাইট হচ্ছে। আর এটার খরচ, বাজেট কত আছে? খরচ 16 লাখ টাকা বাজেট। 16 লাখ টাকা, এই বাজেট আরও বেশি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমাদের যে আসনসোলের মার্কেট হিসাবে আমাদেরকে ওই রকমের 16 লাখ টাকা অনেক। হ্যাঁ, আসনসোলের 16 লাখ টাকা অনেক। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভাইয়া বতানে কে লিয়ে, থ্যাংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ দাদা কো। ধন্যবাদ দাদা। आप लोग ने सुन लिया इस बार का पंडाल क्या है, थीम क्या है, पूरे डिटेल्स में आप जान चुके हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि भैया बताया अभी तक, हम आपको थोड़ा सा करीब ले जाके दिखाते हैं एक चीज़ जो इस बार हर जगह पंडाल का क्या खासियत होता है और यहाँ पर क्या अलग है उससे। हर बार पंडाल का जो ये देखिए, बैम्बू का जो ये जो बांस है, ये इसमें जो कपड़ा वगैरह लगाया गया है फ्रेंड्स, ये फ्रंट में रहेगा और बैकग्राउंड में जैसे उस साइड में रहेगा आपका कपड़ा, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और उधर में देख रहे हैं पूरे जैसा रेड कपड़ा से पूरा उसको बांधा गया है। तो थीम ही ऐसा है इस बार, कुछ खतरनाक है। तो आपको अगर ये पंडाल देखना है तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हम लाइव लोकेशन डाल देंगे और कैसे करके आना होगा सारा कुछ हम बता देंगे फ्रेंड्स ब्लॉग में। तो आपको ज़रूर ये पंडाल देखना है फ्रेंड्स, दुर्गा पूजा का और बस कुछ ही दिन बचा है फ्रेंड्स। तो बहुत जोर तरह से काम वगैरह चल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर।
तो बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए आपका अपना चैनल ईशान ट्रैवल। दोस्तों आप लोग जैसे कि देख रहे हैं जो आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ है, इसलिए चारों तरफ पूरा पानी पानी है और बच्चे लोग यहाँ पर सब खेल रहे हैं फुटबॉल। और बीच में जैसा मैदान है बहुत बड़ा इस बार जगह बनाया गया, अगले बार थोड़ा सा छोटा था लेकिन इस बार काफ़ी बड़ा है, क्योंकि एक साथ आसनसोल में इतना भीड़ होता है क्या कहिएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ आता है। और सूत्रों का मुताबिक जो खबर मिल रहा है फ्रेंड्स, अगले साल दिल्ली से भी यहाँ पर देखने के लिए आया था। और इस बार जो आर्टिस्ट मेन है उनका नाम है कुछ पाल टाइटल है, जो इस बार का डेकोरेशन वगैरह चित्रकार है, एक्सपर्ट है फ्रेंड्स, तो वो इस बार काम कर रहे हैं पूरा डिज़ाइन का काम हमारे के सेक्टर। तो फ्रेंड्स आपको सारा कुछ दिखाया दिए हैं जो बाहर से कैसा लग रहा था देखने में पंडाल को, और बीच से कैसा लग रहा है, और अभी हम लोग हैं अंदर में उस जगह जैसा माँ को बैठाया जाएगा। और ऊपर में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, देखिए मेरा फेस ही कुछ अलग लग रहा है इस बार फ्रेंड्स। तो कैसा लगा ब्लॉग जरूर आपको कमेंट करके बताना है, और चैनल में नहीं हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना, आपका भाई को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो, देखते तो हो वीडियो मगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो गुजारिश करूँगा सबसे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, और हो सके तो अपना फ्रेंड्स का साथ फैमिली का साथ शेयर कीजिए। तो देख रहे हैं अभी भैया लोग जैसे यहाँ पर काम कर रहे हैं, अभी कपड़ा उपड़ा को बंधा जा रहा है यहाँ पर, बहुत जोरों से तरीके से काम चल रहा है वहाँ पर, कपड़ा का काम चल रहा है। और जैसा माँ को वहाँ पर रखा जाएगा उस पोर्शन में रखा जाएगा, और इस बार देख रहे हैं ये जो स्पेस है काफ़ी ज़्यादा है अगले बार से। और यहाँ पर जैसे इन और आउट का दो यहाँ पर ये गेट भी किया गया है, ये लेडीज़ का होगा या ये जेंट्स का होगा ऐसा कुछ है। तो ये रहा पंडाल, और ऊपर का दिखाते हैं, डेकोरेशन काफ़ी खूबसूरत है फ्रेंड्स, आपको अगर देखना है तो आना पड़ेगा आसनसोल का के सेक्टर में। तो फ्रेंड्स ब्लॉग कैसा लगा आपको बताना है कमेंट करके, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूजा परिक्रमा ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, दो से तीन वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है ईशान ट्रैवल्स का एक्सक्लूसिव वीडियो ब्लॉग में फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम फ्रॉम के सेक्टर आसनसोल। और अभी देख रहे हैं बिहाइंड द सीन, बच्चे लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, ये बेसिकली आपको बोल सकते हैं जो के सेक्टर एक ऐसा जगह है, ये मिडिल पॉइंट है हाउसिंग का, और उस साइड में रहा हाउसिंग का पंडाल, और इस साइड रहा आपका के सेक्टर, और आगे में जो रास्ता जा रहा है वो तीन रास्ता में डिवाइड हो रहा है आगे जाके। तो अभी हम लोग आगे जाएंगे और ब्लॉग स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, एक नया ब्लॉग हाउसिंग का फ्रेंड्स। तो हेरा बिहाइंड द सीन, और पंडाल काफ़ी खूबसूरत बना है इस बार, कह सकते हैं अगले बार से बहुत ज़्यादा, और बजट भी काफ़ी ज़्यादा है इस बार, 16 लाख का बजट है, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है फ्रेंड्स। अगले बार इतना ह्यूज अमाउंट नहीं हुआ था के सेक्टर में, लेकिन इस बार बहुत अच्छा बजट दिया गया। और मायार बांधन ये भी एक बहुत ही यूनिक थीम है इस साल का फ्रेंड्स। चलिए टाटा बाय बाय।